हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम, बाहर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। तो सुबह के बज रहे हैं अभी 7 और आज वेदर काफ़ी अच्छा है। रोज़ ये बोलती थी ना, गर्मी है, पर आज मौसम बहुत ही अच्छा है। बाहर देख सकते हैं पूरा धूप ऊप नहीं निकली है, वरना तो 6 बजे ना अच्छी खासी धूप हो जाती थी। 6 बजे से ही धूप मतलब यहाँ पूरा बरामदे में आ जाती थी और यहाँ पे मैं खड़ी नहीं हो सकती थी, लेकिन आज अच्छा है और हवा भी अच्छी चल रही है। तो मौसम जिस दिन अच्छा रहता है ना, तो मन भी अपने आप खुश ही रहता है। और अक्षत आते अभी तक सो रहे हैं और यहाँ पे आज मैं सुबह सुबह नहा धो करके ऐसे मतलब सज धज के तैयार हो गई हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना हैवी साड़ी वगैरह क्यों पहन करके रखी हुई है। तो एक्चुअली तो फ्रेंड्स देखिए, आद्या अभी तक सो रही है, अक्षत और आद्या दोनों सो रहे हैं और बाहर का नज़ारा आपको दिखा देती हूँ। तो आज मम्मी औसान माता की सुहागनें खिला रही हैं, तो उसी के लिए मैं सुबह से तैयार हो गई हूँ। और इसमें ना व्रत रखा जाता है, पानी नहीं पिया जाता है। जब पूजा हो जाती है तो उसके बाद पानी पीते हैं, तो इसलिए सारी लेडीज़ को ना टाइम बहुत जल्दी दिया गया है कि 8 बजे तक सब इकट्ठे हो जाएं, तो जल्दी जल्दी सारी पूजा हो जाए और उसके बाद फिर सब लोग पानी पिएं, खाना खाएं, जो भी करना है करें, क्योंकि उसके पहले तक तो व्रत ही होता है। और आजकल गर्मियों में ना सुबह 8 बजे तक भी बिना पानी के रहना ना बहुत बड़ा काम है। फिलहाल आज मौसम साथ दे रहा है तो इतनी प्यास नहीं लगी, वरना मैं तो जैसे ही उठती हूँ बिस्तर से वैसे ही प्यास लग जाती है। तो आज थोड़ी सी राहत है। और साड़ी कैसी लग रही है? बहुत भारी लग रही है, मतलब पहन तो लिया है लेकिन सिल्क है तो बहुत ज़्यादा हैवी लग रही है। फिर अब लग रहा है कि जल्दी से पूजा हो जाए और पूजा होने के बाद ना मैं बस इसको चेंज ही कर लूँ, क्योंकि इतनी हैवी साड़ी ना इस टाइम पे पहनने में ना बहुत अजीब सा स्वेटिंग। इस टाइम पर हैवी साड़ी बिल्कुल भी नहीं पहनी जाती है। तो चलिए देखते हैं मम्मी क्या कर रही हैं। मम्मी तैयारियों में लगी हुई हैं, अभी मुझे आलता भी लगाना है पैरों में, तो अपने पैरों में रंग भी लगाऊंगी। और मैं इधर पूजा की सारी तैयारियां कर रही हैं, ऑलमोस्ट सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस सबका इंतज़ार हो रहा है कि सब लोग मम्मी लगा चुकी हैं पैरों में रंग, और चलिए हम भी लगा लेते हैं जल्दी से। ये देखिए हम भी लगा लेते हैं पैरों में जल्दी से आलता अपने। अच्छा जाओ ब्रश कर लो, पापा मैंगो शेक बनाए हैं, पी लो। तुम्हारा
क्या कह रहा है? तो यहाँ पे चाची लोग आ गई हैं और मम्मी की सब देवरानियाँ हैं, तो चलो मैं सबके पैर छू लेती हूँ। और उसके बाद चाची लोग आ गई हैं, तो यहाँ पे कमान संभाल ली है और सबके लिए इस तरीके से प्रसाद को मतलब सात लोग रहते हैं, सात लोगों के लिए प्रसाद ऐसे पूरा लगाना है और सब में एक एक बट्टी जो गुड़ की है वो रखी जाएगी और पेड़े रखे जाएंगे, पांच पांच, पांच है सात है, इस तरीके से पेड़े रखे जाते हैं। और उसके बाद फिर पूजा की सारी तैयारी मैंने और मम्मी ने पहले ही कर ली थी, तो चाची लोगों ने ये काम भी संभाल लिया है। और इलाहाबाद वाली भी चाची आ गई हैं, तो ये देखिए इलाहाबाद वाली चाची हैं। और हम लोग इलाहाबाद में मतलब रहते थे, तो वहाँ पे चाची भी, हम लोग के पास ही घर था तो सब लोग वहाँ साथ में रहते थे। अब चाची भी गांव शिफ्ट हो गई हैं, तो मम्मी का चाची का मिलना जुलना लगा रहता है, तो जिससे बहुत ही अच्छा लगता है ना, वाली फीलिंग पहले वाली आ जाती, जब इतने साल आप एक जगह एक साथ रहे होते हो ना, तो वो अटैचमेंट दूसरा होता है। मन्नत पड़ी हुई थी और मम्मी हमेशा कहती थी कि जब तुम आओ तभी ये सुहागन वाली पूजा करवाई जाए, क्योंकि ये मन्नत उन्होंने मेरे लिए ही मानी थी, तो इतने टाइम से पड़ी हुई थी। तो ये हुआ कि इस बार मैं आई हूँ, जब भी मैं आती थी थर्सडे वाला दिन पड़ता ही नहीं था, तो इस बार मैं आई हूँ तो थर्सडे वाला दिन पड़ गया है, तो जिससे ये पूजा हो पाई है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कलश इस तरीके से रख लिया गया है और इस तरीके से पूजा वगैरह कर दी गई, सुहाग की चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। और जितनी भी सुहागन पूजा होती है, जैसे अवशान माता हो गई, चटपट माता हो गई या संकटा माता, सबकी जो पूजा होती है वो अप्रॉक्स एक जैसी ही होती है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस इसमें। आरती हो जाने के बाद फिर यहाँ पे हम लोगों ने सबने सुहाग लिया, सुहाग लेने के बाद फिर सबके मैं पैर छू रही हूँ। यहाँ पे जितनी भी मेरी सासें हैं, यानी सभी मेरी चाची सास, बुआ सास, ऐसे ही हैं सब लोग, तो सबके पैर छू रही हूँ यहाँ पे। और उसके बाद फिर अब सब लोग पानी वगैरह तो पी ही लिए हैं, प्रसाद जब खाएँ तो पानी पी लिए हैं, और उसके बाद अब चाय नाश्ता होगा। तो यहाँ पे किसी का चाय पीने का मन कर भी नहीं रहा, चाय कॉफ़ी, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है, तो मम्मी ने कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाया है, तो कोल्ड ड्रिंक्स हो जाएगा, नमकीन है, बिस्किट है, यही सब नाश्ता वगैरह हो जाएगा। काफ़ी दिन की जो इच्छा थी मम्मी की वो पूरी हो गई है और पूजा अच्छे से हो चुकी है। और उसके बाद यहाँ पे सब लोग लॉबी में बैठे हुए थे, मैं सबके लिए यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स निकाल रही थी, और सारे लोग इकट्ठा होते हैं तो ना लेडीज़ की ये किटी पार्टी एक तरीके से हो जाती है, तो सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो सबकी गप सप चल रही है, लेडीज़ों की बातें बहुत होती हैं, वैसे जल्दी मिलना जुलना नहीं हो पाता, सब अपने घर के कामों में इतना ज़्यादा बिजी होते हैं कि टाइम ही नहीं निकल पाता है।
और मम्मी अपना सबके लिए प्रसाद वगैरह दे रही हैं, तो सबको प्रसाद दे दिया जाता है। लड़कियों को हमारे यहाँ नहीं खिलाया जाता है, और लड़के तो आराम से खा सकते हैं प्रसाद, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बस यहाँ पे अक्षत तो ज़्यादा इंटरेस्टेड, उनको पेड़े में ही आता है, तो पेड़ा उनको प्रसाद दे दिया गया। आद्या के लिए अलग से निकाल दिया गया था तो उसको भी दे दिया गया है। तो इस तरीके से बच्चों ने भी प्रसाद खा लिया, पापा ने भी खा लिया है, और पूजा हुई आज, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत मन को सुकून मिलता है जब पूजा पाठ के कोई भी कार्यक्रम घर में होते हैं, तो बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग आती है। पीते हैं कोल्ड ड्रिंक और नमकीन खाते हैं, क्योंकि नमक मेन होता है ना मॉर्निंग में। सुबह सुबह प्यास इतनी तेज़ से लगने लगती है और नमक ही खाने का। सब लोग यहीं पे बैठे हुए हैं, और एक दो चाची लोगों तो बृहस्पतिवार का व्रत भी रखती हैं, तो बृहस्पतिवार के व्रत में एक बार अन्न खाया जाता है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती। उन लोगों ने प्रसाद खा लिया है, और उसके बाद जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह वो नहीं लेंगे, चाय वगैरह ही। वीडियो कहीं पर एंड करूंगी, पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आत्या फैमिली चैनल। बाय।